वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। आज जो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज हम पूरी ब्लो मोल्ड डिजाइन करने वाले हैं। ब्लो मोल्ड डिजाइन करेंगे सॉलिडॉक्स में, ठीक है। बहुत सारा डाउट है सॉलिडॉक्स में आ रहा था, तो मैं आज जो है सारा खत्म करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ब्लो मोल्ड में क्या क्या डिस्कस करने वाला है। एक तो हम पूरा ब्लो मोल्ड बनाने वाले हैं, मैं अभी आपको पूरी मोल्ड खोल के दिखाऊंगा। दूसरी केस, हम कितने ब्लो मोल्ड होते हैं, क्या क्या टाइप्स होता है, क्या क्या पैरामीटर देखते हैं, ठीक है। इंजेक्शन ब्लो क्या होता है, स्ट्रेच ब्लो क्या होता है, एक्सट्रूजन ब्लो क्या होता है, ये कौन सी ब्लो में आएंगे, तो हर तरीके से केस हम इसके में केस स्टडी करेंगे। तो इसके साथ में इसके कोड केमिस्ट्री प्लस कूलिंग चैनल गेटिंग कैसे होंगे सब कुछ इसमें दे रखा है, तो सारा कुछ इसमें मिल जाएंगे आपको। कितना तरीके से ओरिफिस होता है, ठीक है, नोजल की इसमें कैसे होना चाहिए, तो हर एक की चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेलिंग में मिल जाएंगे। तो और इसमें वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हर एक कुछ डाउट इसमें आपको क्लियर होने वाला है। तो मैं वीडियो को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, जो मेरा मोल्ड है ओपन करके दिखा देता हूँ क्या है एक्सेल में मोल्ड। तो कुछ ये जो बना हुआ पीस है, ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे, जो बनने के बाद वीडियो बन रहा है। तो सारा जो है हम पेंटिंग वेंटिंग के बारे में बात करने वाला है, तो सारा कुछ मिलेंगे इस मोल्ड पे, क्या क्या होना चाहिए सब कुछ मिलेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है। और आई गेस इस वीडियो को बनाने के बाद जितना भी आपकी ब्लो मोल्डिंग की मोल्ड बनती है, तो सारा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, और कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। और इसमें मैं एक चीज और करूंगा, जो मेरा पीडीएफ वगैरह है, जो पैरामीटर वगैरह है, वो भी जिसको भी चाहिए वहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो। अपना मेल आईडी शेयर कर देना, मैं आप उसके साथ शेयर कर दूंगा जो भी रहेगा इसमें, ठीक है। तो लास्ट तक जुड़ी रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख पा रहे हो आप, प्रोडक्ट है पूरा, है ना। ये इसकी जो है हम मोल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मोल आपको नहीं मिलेंगे, नहीं पहली बात तो मिलेंगे मतलब YouTube में अवेलेबल नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूँ, जो मैं पेड क्लास वगैरह में लेता हूँ ऐसे वीडियो। तो मैं सोच रहा था आपको एक वीडियो बना दूँ सॉलिडॉक्स में ही। बेसिकली मेरा जो काम है NX में ही करता हूँ, तो मैं सोच रहा था सॉलिडॉक्स में बना दूँ, ठीक है। तरीका सेम ही होता है, थोड़ा अलग अलग अप्रोच होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको जैसा है वैसे रहने देता हूँ। तो इसको मैं लाई करूँगा पहले, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे प्लेन देख रहा है मैं कहाँ कौन सी प्लेन में एग्जिस्ट हूँ। मैं ऑलरेडी मैंने इसको मिरर मार के बनाया था, एनएक्स में बनाया था मैंने इसको। तो मैं जो है इसको प्लेन लूंगा सबसे पहले। तो प्लेन लेके मैं स्केच ले लिया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एट। तो यहाँ पे मैं जो है एक बॉक्स बनाऊंगा, सेंटर रेक्टेंगल बनाऊंगा लाइक इस तरीके से। और इसका जो डायमेंशन रहेंगे, तो डायमेंशन हमेशा एज से करना है, प्रोडक्ट की एज से आपको डायमेंशन करना होता है, ठीक है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 70 mm की गैप रखूँगा, ठीक है। तो हम 70 mm की गैप रखते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही मैं 70 mm का रखूँगा। तो और जो इसकी कॉन्स्टेंट है, तो मैं कॉन्स्टेंट को फिनिश कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है अलग से एक मुझे प्लेट भी आएंगे, तो मैं इसको 70 नहीं रखूंगा। मेरा 3 inch बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसका जो मैं है 300 कर लूंगा, ठीक है। और इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ट्रिम करने के बाद यहाँ के यहाँ से डायमेंशन में अलग से कर लूंगा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली 40 mm की है, ठीक है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है उसको मैंने तोड़ डाला, बेसिकली मैंने वैसे वही किया। तो यहाँ के यहाँ से मैं 50 mm ले लूंगा, ठीक है। सिमिलरली इसको भी मैं 50 mm ले लिया इसको, और जो इसकी कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको भी तोड़ डालता हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली तोड़ना ही था मुझे, तो इसलिए मैंने पहले ही तोड़ देना चाहिए था मुझे। तो इसको भी मैं 70 mm का ले लूँगा, जो मेरा बॉक्स बनेंगे 70 mm के बनेंगे। यहाँ पे इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, फिर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी फिर आपको दिक्कत करेंगे। तो मैं ये 300 को यहाँ से ज़्यादा दे रहा हूँ। तो मैं जो साइज रहेगा, मैं प्लेट की साइज नहीं, मैं यहाँ से गैप के हिसाब से मैं मशीनिंग करूंगा। ये जो प्लेट लोगे आप, मान लो 300-400 का ही लोगे, फिर उसके बाद तो आपको कैंसिल करना ही होगा ना, तो वही बात है। तो मैं पहले करूंगा, और इधर से मैं रखूंगा इसको 40 mm का रखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे ना इसके लिए अलग से एक प्लेट लगाना पड़ेगा। तो मैं इतना रख देता हूँ, तो बेसिकली मेरा कितना आ गई
380 मान लो आप, है ना, और फिर 280 मान लो, और यहाँ पे आप मान लो 250 का, ठीक है, इधर तो ठीक है, तो इधर आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको वो कर दिया हूँ। तो बेसिकली अब मुझे करना ये है, जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है इसको मैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जैसे मैंने इसको एक्सपोर्ट करके बनाना चाहता हूँ तो वैसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है तो अंदर मैं अगर ऑफसेट करके भी इसकी मैं एक ऑफसेट बॉडी बना लूँ वो भी ठीक है, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सट्रूड करके बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ इसको, मैं कुछ लेंथ तक, अभी मैं जो है लेंथ कुछ डिसाइड नहीं किया हूँ, मैं बताऊंगा इसको, और इसको मास नहीं करना आपको, ठीक है। फिर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे भी काटना होगा इसको। देखो मैं किस तरीके से करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो उससे पहले जो है मैं यहाँ पे जाके एक बॉडी ले लूंगा मैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करने से पहले मैं इसमें एक बॉडी ले लूंगा, यहाँ पे जाके मूव कॉपी में जाके, तो यहाँ पे कॉपी ऑन है तो इसके ऊपर मैं अलग से बॉडी ले लिया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब जो ये बॉडी है इसको मैं फिलहाल के लिए हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जाके मैं यहाँ से इसको कंबाइन में जाके सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, मेरा मेन बॉडी ये रहेगा, किससे सब्सट्रैक्ट करना है मुझे, मेरा मेन बॉडी, सॉरी यहाँ पे मेन बॉडी मेरा ये होगा, सब्सट्रैक्ट इसको करना है, ठीक है। मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, बट मैंने तो सब्सट्रैक्ट कर दिया है, बट यहाँ पे देख पा रहे हो आपकी ये जो चीज़ है यहाँ पे रह जाएंगी, तो इसको तो मुझे हटाना है, तो हटाना है। इसके लिए हम थोड़ा काम करेंगे, इसको मुझे ट्रिम करना होगा, अदरवाइज ये रह जाएगी आपकी, ठीक है। अब जो ये पार्ट है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, सॉरी ये पार्ट को हम, इसके जो है कॉन्स्टेंट है वो हटाएंगे पहली बात, तो फिर ये डिलीट हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो मैं पूरी खाता हूँ इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज एक आपको मैं अलग तरीका सिखाता हूँ, जो आप ऑलरेडी अभी में देखते हो या कहीं पे भी मिलते हैं ना आपको, जैसे यूट्यूब में होगी कहीं पे भी मिलते हैं, वो तरीका नहीं बताऊंगा आज, एक हटके तरीका बताऊंगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना या कमेंट कर देना, ठीक है। अलग तरीका बताऊंगा जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो देखो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ आ जाऊंगा डायरेक्ट एडिटिंग में जाऊंगा मैं, ठीक है। क्या नाम है, डायरेक्ट फेस, ठीक है। देखना किस तरीके से बना रहा हूँ, इसमें क्लिक करके इसको मैं सिलेक्ट करके, फिर इसको सिलेक्ट करके मैं टेंजेंसी ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, सबकी टेंजेंसी ले रखा हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट नहीं किया कि ऑलरेडी वो हुआ, तो मैं इसको डिलीट मार दिया, देखो डिलीट मार दिया, सारा आ गया, बट यहाँ पे सरफेस जो है मेरा सरफेस रह गई। अब इसको मैं क्या करना है, क्योंकि इसको मैं अगर मैं इसको अगर हाइट भी कर दूंगा सारा हाइट हो जाएगा, है ना, तो पंगा तो है, पंगा है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको डिलीट फेस भी कर दूंगा, इस फेस को अगर मैं डिलीट भी कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा ये हेयर रह जाएगा। चलो मैं डिलीट फेस कर देता हूँ, ठीक है। मेरा सारा बेस का सॉलिड बन गया। मुझे क्या, मुझे देखो कभी बड़ा पार्ट होता है ना, जैसे बहुत बड़ी पार्ट है, इसमें आप क्या करोगे, फिर ऑफसेट ऑफसेट मार के बनाते हो, तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, तो ऐसे ऐसे करने में तो आपको बैंड बजेंगे ना बैंड, तो ऐसे कैसे में आप कैसे बनाओगे। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, देखो किस तरीके से बना रहा हूँ मैं। अब देखो मैं इसको हाइट कर देता हूँ, जो मेरा कॉम्बाइन वाला है इसको हाइट कर दो, जान देखो। तो इसको मैं हाइट करने के बाद मेरा ये तीन सरफेस ज्यादा रह गया, मतलब तीन सरफेस का मुझे जरूरत नहीं है, तो ये रह गई था, तो ये रह गया है। अब इसको मुझे हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे आप डिलीट फेस करोगे ना, जैसे ये डबल डबल है, देखो ये डबल डबल है, तो यहाँ पे हो रहा है काम, नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे फिर। तो ऐसे केस में आप जो है सिंपली यहाँ जाओगे, फिशर्स में जाओगे, डिलीट बॉडी करोगे, यहाँ पे बॉडी कौन सी, ये एक तो ये और दूसरा ये, तीन बॉडी जो है मैं खलास कर दूंगा यहाँ से, हो गई। अब देखो मैं कॉम्बाइन वाले को हाइड कर दे रहा हूँ, बस कहानी खत्म, अगर समझ। तो ऐसे मेरा बॉडी निकल जाएगी। अब मुझे इसको बनाना है। अब देखो पहले मैं इसकी सरफेस बनाऊंगा। अब सरफेस बनाने के लिए मुझे डायरेक्ट इसको मैं अगर एक्सट्रूड भी कराऊंगा, सरफेस में जाके मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा, तो एक्सट्रूड होगा, नहीं होगा ना, हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, सिलेक्ट भी करूंगा ना तो दिक्कत आएगी। तो हम इसके इसके लिए क्या करेंगे, मैं जाके यहाँ पे सिंपल एक स्केच ले लूंगा, फिर यहाँ पे जाके मैं
जो एज है इसको सिलेक्ट करूंगा, सॉरी ऐसे दिक्कत आता है ना, राइट क्लिक कर लेना सिलेक्शन टूल, जैसे इसको इसी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर लेना तब आ जाएंगे वो। सिलेक्ट कर दिया, कॉन्वर्ट एंड ले लिया, एग्जिट किया, फिर इसको मैं एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है अब मुझे ट्रिम करना है, ट्रिम इसको हटाना है, सिलेक्ट किया डन। सिमिलरली ट्रिम में सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया डन, कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई। ठीक है अब देखो, अब कहानी देखना क्या कहानी है मेरा, सब मेरा जुड़ा हुआ है। अब मैं लगाऊंगा इसमें प्लेनर सरफेस, क्योंकि मेरा फ्लैट बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने क्या ले लिया मैं इसको सिलेक्ट करने में, तो मेरा थोड़ा दिक्कत आ रहा है सिलेक्ट करने में, कर लिया राइट क्लिक करा, यहाँ पे आ नहीं रहा है, फिर यहाँ पे जाके मैंने सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दिया, ओपन लूप टेंडेंसी ले लो, ठीक है जो कंटिन्यूअसली है वहां तक सिलेक्ट करेगा। अगर मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा सिलेक्ट करूँ तो मैं राइट क्लिक करूंगा, क्या करूंगा ओपन लूप ले लूंगा, ठीक है अब टाइम लगेगा थोड़ा रुक जाओ, सारा सिलेक्ट हो गई। अब जिसको नहीं करना है, सबसे लास्ट कौन सी हो गई, ये वाली लास्ट आया था, तो मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा, ये जैसे कौन सी हो गई देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है ना, तो जिसको नहीं करना है इसको शिफ्ट दबा के अनसिलेक्ट कर दो, ठीक है ओके मत कर देना भाई, गलत गड़बड़ी हो जाएगी। डिलीट मैंने किसको डिलीट करना था, किसको कर दिया मैंने, ये डिलीट कर दिया। तो ये तरीका होता है ऐसे सबको एक बार में सिलेक्ट करने का, तो आप देख लो कौन सा था। ये था तो इसको सिलेक्ट करके डिसलेक्ट कर दो, उसके बाद इसको ऐड कर दो आप, बस ये होता है तरीका, बहुत तरीका सिखाऊंगा आप देखते रहो बस, ठीक है ये तो मैं सॉलिडवर्क्स में सिखा रहा हूँ, एनएक्स में मैं मेनली जो ट्रेनिंग देता हूँ ना मैं एनएक्स में देता हूँ, तो ये देख लो आप हो गई बन गई भाई, तो बहुत तरीका सिखाऊंगा आप देखते जाओ बस। तो ये हो गई, अब इसको मैं नीट कर दूंगा ना, तो मैं ये सिलेक्ट किया और बाकी का बॉडी सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर दिया, क्रिएट सॉलिड डन, बन गई सॉलिड देख लो हो गई खुश, लो आपकी काम हो गया था, तो मेरा ये बन गया। अब मैं जो मेरा पार्ट था शो कर लो पार्ट को, ठीक है अब पार्ट की कलर अलग डाल देते हम, तो चलो पार्ट की कलर अलग डाल देते हम इसमें, जो मेरा प्रोडक्ट में आ गई सॉरी, मैं इसको प्रोडक्ट में नहीं सिलेक्ट करना है, इसको बॉडी में जाके बॉडी में सिलेक्ट करना है, तो हम जो है इसको ऑरेंज कर देते हैं, क्या लाइट ब्लू कर दो जैसे भी करना है आपको, है ना। अब इसमें काम बाकी है, अब काम करेंगे इसमें हम, तो इसमें काम करने के लिए हम क्या करेंगे इसके लिए पहले, ठीक है तो एक अलग तरीका सिखाता हूँ आपको मैं, अलग करने के लिए मैं इसको स्प्लिट करूंगा, बेसिकली मुझे यहाँ पे इस पार्ट में मैं इसको स्प्लिट करूंगा, एक तो मैं इस पार्ट में करूंगा, एक मैं इस पार्ट में स्प्लिट करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये तरीका अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और तरीका बताता हूँ मैं, तो मैं इसको स्प्लिट करना है तो मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, बाद में मैं इसको सेव कर लूंगा, राइट क्लिक कर लिया, स्केच ले लिया, यहाँ पे एक मैं लाइन बना लेता हूँ, लाइन मैं यहाँ से बाहर स्ट्रेट बना लूंगा, सॉरी मुझे स्ट्रेट बनाना था तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, और ये इसको मैं आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको मैं लाइन बना के इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है तो इसको ट्रिम कर दो, एग्जिट किया। अब इसको जो है मैं सरफेस में एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा डायरेक्ट एडिटिंग में, उसके बाद जाने के बाद स्प्लिट ले लो आप, पहले सरफेस सिलेक्ट करो फिर बॉडी सिलेक्ट कर लो, ठीक है सॉरी यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट कर लो, जिसको स्प्लिट करना है कार्ड बॉडी, जिसको रखना है जिसको सिलेक्ट करना है रखो, फिर उसके बाद जाके आप, ठीक है इसके बाद जाके यहाँ से इसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, इसको हटाना है ठीक है, ये हट जाएगा, रखना है तो रख सकते हो आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ रखना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, जैसे मैं इसको हाइड करके दिखाता हूँ, तो ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, वो हम इसको लगाएंगे बाद में, बोल्ट वगैरह करेंगे इसमें,
तो मैं अभी इसको भी काटना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको भी काटूंगा सेम उसी तरीके से, ठीक है। आई गेस सबको मजा आ रहा होगा वीडियो में, क्योंकि ये अलग अलग तरीका होता है। हम जैसे मोल बनाते हैं ना, कभी कभी मेरा पास क्लाइंट आता है जिसको सॉलिड वर्क्स में ही चाहिए, तो ऐसे केसों में ना बहुत पंगा हो जाता है, नहीं सर हम तो मैनेक्स में बनाते हैं, नहीं 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 मुझे सॉलिड वर्क्स में ही चाहिए, हम लोग का जो डिजाइनर होता है सॉलिड वर्क्स में फायर खोलते हैं। तो वैसे केसों में जो है सॉलिड वर्क्स में बनाना पड़ता है, डिजाइन टू डिजाइन होते हैं, आप सॉलिड वर्क्स में बनाओ या एनएक्स में बनाओ, है ना। एनएक्स में बस ईजी होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी में एनएक्स में यूज करते हैं, तो उस हिसाब से लोग एनएक्स में बनाते हैं, और किसी का एनएक्स में कमांड है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको आना चाहिए। तो हम जो है सही तरीके से बनाते हैं, तो मैं इसको ऐसे काट देता हूँ, सिमिलरली मैं उसको भी वही काम कर लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, एक्सपर्ट को डायरेक्ट एडिटिंग कर देता हूँ। फेस ले लो, बॉडी ले लो, काट करके इसको रखना है, टर्न कर दो, ठीक है। फिर इंसर्ट में जाके, फेसिट में जाके, डिलीट बॉडी में जाके, बॉडी सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, ठीक है। मैंने इसको दो तरीके से काट लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करूंगा, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ तक कोई बढ़िया से कोई डाउट नहीं, यहाँ तक क्लियर आया हुआ होगा, है ना। ये देख लो, तो थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करूंगा। मॉडिफिकेशन क्या करूंगा, देखना मैं किस तरीके से मैं मॉडिफिकेशन करूंगा, थोड़ा आपको बताऊंगा अलग तरीके से ये। तो मॉडिफिकेशन बोले तो मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा अलग तरीके से काटना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको अलग तरीके से काटूंगा, क्योंकि ये बहुत नैरो है, यहाँ पे जो मेरा वो है वो आ ही नहीं पाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से काटना चाह रहा हूँ, तो देखो मैं कैसे काट रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इसको कुछ आपको इस हद तक ऐसे काटना पड़ेगा, इसको मैं सेंटर लाइन नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं इसमें सॉलिड में काटूंगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, फिर कुछ ऐसे लूंगा, है ना। तो इसका और इसके बीच में जो एंगल है कुछ 35 डिग्री का एंगल है, ठीक है। मुझे पता है मुझे कितना का डाई लगाना है, वो मुझे पता है, तो इस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ले लो, वैसे बनाना तरीका सीखना है, बना तो लगे कंपनी में, अगर 3 महीने 6 महीने काम कर लोगे तो उसके हिसाब से बनाने लग जाओगे। तो बेसिकली आपको आइडिया सीखना होता है, ठीक है। तो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ 35 डिग्री का एंगल होता है, इसमें 35 डिग्री में ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको स्ट्रेटली बना दूंगा कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लेके मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, फिर इसको ट्रिम कर दूंगा। कहीं कहीं 35 मिलते हैं, कहीं के 45 भी मिलते हैं, अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। और यहाँ से कुछ कुछ मेरा लैंड ऐसा होता है, जो मेरा लैंड बनती है यहाँ से इस पॉइंट तक 10 के अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। तो इसको मैं एग्जिट करके, तो यहाँ पे मैं इसको रिवॉल्व कट कर देता हूँ बस। तो ये मेरा ऊपर से वो हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है, यहाँ पे मैं फेंटिंग के लिए कुछ जगह रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे स्केच लूंगा, मुझे कुछ फेंटिंग के लिए मुझे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे जगह रखना है, ठीक है। वो मैं करना ही है मुझे, तो यहाँ पे भी करना है, नीचे भी करना है, बहुत साइड मुझे करना ही पड़ेगा फेंटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी करूंगा, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्केच ले लिया, ठीक है। तो कंट्रोल ए कर देता हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ यहाँ तक ही बनाऊँ कुछ यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे मेरा लोकेटिंग रिंग वगैरह भी आएगा कि ओवरलैप ना हो, ठीक है। तो वो भी आपको देखना होता है। और यहाँ से मैं इसका जो है दोनों का इक्वल रखूंगा, जैसे आपको पता ही है 50 के अप्रोक्सीमेटली रखूंगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी मैं 50 के अप्रोक्सीमेटली रखाऊंगा। जैसे मेरे पास 28 का रीमर है मेरे कंपनी में, तो फिर मैं वैसे नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, 28 की रीमर है, तो उस हिसाब से हम 28 की बनाते हैं, साइज के हिसाब से देखते हैं और अलग अलग है, तो बताना नहीं चाह रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ है, तो यहाँ तक मैं बनाऊंगा, फिर यहाँ से मैं इसको ऑफसेट कर दूंगा थोड़ा थोड़ा, ये बीस का ऑफसेट कर दूंगा 10-10 का, नहीं तो 5-5 का ही कर लेंगे। एक्चुअली येलो है तो इसलिए देख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा,
जो आप इसके ऊपर जो कूलिंग बनाओगे, तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, फेंटिंग वगैरह लगाओगे ना तो बनाना पड़ता है उसके लिए। तो इसको ट्रिम कर देते हैं, थोड़ा अंदर थोड़ा क्रूशियल चीज आ गई है, तो यहाँ तक नहीं जाएंगे ठीक है, क्योंकि यहाँ जाएंगे मतलब थोड़ा सीएनसी में दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ तक नहीं जाऊंगा। 5 5 mm का मैं ऑफसेट रखा हूँ, तीन तीन का भी कर सकते हो वो आपको जैसे ठीक लगे। तो ऐसे ऐसे मैं इसको कर देता हूँ, कुछ देखते हैं कुछ इशू हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ, दोनों क्या हो गया। कैसे यहाँ पे लाइन आ गई थी ठीक है, तो मैं इसको हटा दिया और इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा कुछ अपने हिसाब से भी, कभी कभी आपको करना पड़ता है ठीक है। तो मैं एक्सटेंड करके यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा और यहाँ पे जो है एक स्ट्रेट सा लाइन लगा दूंगा मैं इस तरीके से, फिर इसको ट्रिम कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे इसकी नज़दीक ज़्यादा नज़दीक नहीं आना है ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फिनिश करेंगे ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फिनिश करेंगे और जो यह बाहर निकला है इसको हम ट्रिम कर देंगे ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 5 mm की ऑफसेट मानना है रिवर्स डायरेक्शन की, तो फिर इसको भी आप ट्रिम कर दो कुछ लाइक इस तरीके से। तो आपने बना दिया है यहाँ तक है ना, अब ऊपर से इसको कनेक्ट करना है आपको, तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा मैं आराम से बना रहा हूँ वीडियो को, लंबा होगा थोड़ा क्योंकि सीखने को इसमें बहुत कुछ है, तो देखना लास्ट तक जुड़े रहना है आपको ठीक है। फिर यहाँ पे भी बनाना है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको मैं वो कर लेता हूँ है ना, तो रिवर्स डायरेक्शन कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं 3 का कर लेता हूँ, यहाँ 4 का कर लूंगा कि अंदर स्पेस कम है। तो कुछ मैं यहाँ पे मेरा स्केच बन गई है, आप देख पा रहे हो तो मेरा स्केच बन गया यहाँ पे। तो इसको हम जो है कट कर देते हैं, एक्सट्रूड कट कर देंगे ठीक है। तो मैं रीजन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पहले रीजन लेके काट करते हैं कि दो है एक साथ में दोनों करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप कंटूर ले लो बाहर का बाउंड्री सेलेक्ट करके अंदर, फिर सॉरी दोनों शिफ्ट दबा के कंट्रोल दबा के दोनों को काट कर लो। इसको मैं 5 mm का काट करूंगा ठीक है, तो मैं 5 mm के काट कर दिया है यहाँ पे। अब देखो थोड़ा दोस्तों थोड़ा दिखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे चैम्फर लगा देंगे ठीक है। तो कितने का चैम्फर लगाओगे, 5 का काटोगे तो 5 का लगाओगे ना, बस इसी तरीके से आप चैम्फर बोथ साइड लगा सकते हो ठीक है। तो मैं इसको एक बार लगा देता हूँ, वीडियो आज मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ, पॉज करके करके बनाता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, जैसे डायमेंशन वगैरह का चीज है। तो ये तो हम जो है वैसे ही बना रहे ठीक है। तो 5 का 45 डिग्री एंगल में यहाँ से कुछ जो है इश्यू से आ रहा है, तो इसको अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ ठीक है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ा चैम्फर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा दिखने में लास्ट में लगा, कभी कभी रेंडमली नहीं लगता है, तो वैसे केसों में आपको अलग से लगाना पड़ता है ठीक है। तो ये मेरा हो गया है ना। तो यहाँ पे हम कूलिंग के लिए वो बनाएंगे, अलग से स्लॉट बनाएंगे कूलिंग के लिए ठीक है। तो इस तरीके से बनाना पड़ता है, और इसको अगर एंगल कम करना मैं चाहता हूँ, इसका थोड़ा एंगल कम कर दो क्योंकि मुझे यहाँ पे स्लॉट से काटना है ठीक है। तो इसको हम 20 डिग्री का एंगल में कर दूंगा, तो कुछ कैसे लगेगा, 60 का 45 ही, 40 30 25 35 40 ओके। तो हम थोड़ा गैप लगा लेते हैं इसमें, 40 का लगा लेते हैं ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 40 का वो लगा दूंगा,
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मेरा रह गई थी, जो मैंने एक्सट्रूड काट किया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जो कट लगाना मैंने भूल गया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी ले लूंगा। जो रीजन है तो ये भी रीजन ले लूंगा मैं, ठीक है, और जो चैम्फर लगाया था मैं, यहाँ पे भी मैं चैम्फर लगा लूंगा, ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी लेना है तो राइट क्लिक करके सिलेक्ट टेंजेंसी ले लो आप, ठीक है। इस तरीके से आप पुलिंग के लिए भी वो कर सकते हो। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इसको अलग से करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा और कम करूंगा, कम इन द सेंस जो चैम्फर है बहुत ज्यादा लगेंगे। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं डायरेक्शन ले लेता हूँ, तो अलग से ले लेता हूँ मैं इसको, चैम्फर कर देता हूँ इसको मैं 2 का 5 का ही करना पड़ेगा, बट एंगल कम रखना पड़ेगा, ठीक है। बेस का ले लेता हूँ मैं, सिलेक्ट टेंजेंसी, ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेस बेस का ले लिया, तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसकी आपकी पेंटिंग वगैरह लगाना सिखाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो फिर मैं यहाँ स्केच दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेंटिंग जो है मैं ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दो दो तीन तीन लाइन बना लूंगा, ठीक है, इसको हम एरे लगा देंगे। तो एंटिटी ये रहा मेरा रिवर्स डायरेक्शन, 2 3 4 5 6 काफी है, ठीक है। तो इसको कुछ मैं इस यहाँ पे ले आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं आगे ले आऊं, ठीक है। और मैं 60 के जगह 8 कर लो, ठीक है, और ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैं कुछ कम कर दे रहा हूँ, जैसे 10 है तो मैं 9 कर देता हूँ, या इसको मैं 9.5 कर दूंगा, ठीक है, तो ठीक लग रहा है। अब रही बात, इसको मैं ऑफसेट करना है, जो ये है ना, तो ये पहले तो ये येलो है तो इसकी वजह से देख नहीं रहा है, तो इसको मैं रिवर्स करके, इसको करने का तरीका ये है कि मैं इसको ट्रिम करवाऊँ, ठीक है ना। तो मैं इसको ट्रिम करना था मुझे, क्योंकि ये नहीं तो आगे निकल के आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं एज ए सेंटर लाइन बना लूंगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको एग्जिट करना है सिंपली। अब जितना आपका ये बना है ना, फिर इसको हम जो है मैं स्वीप कर दूंगा, सर्कुलर प्रोफाइल लेके मैं इसको स्वीप कर दूंगा, ठीक है, 2 का 5 का, ठीक है, 5 एक बार में एक ही बनेगा, ठीक है। इसको मैं सिर्फ आपको यूनिट नहीं करना है, ठीक है, तो इसको यूनिट नहीं करना आपको, में जाके मार्च को बता दो आप। तो हम जो है सबको ऐसे कर लेंगे पहले, तो ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे टच हो रहा है, तो टच नहीं होना है, मैं आपको बताया था। तो जो ये स्वीप है तो इसको आप कम कर दो, 5 कर दो, ठीक है ना, और इसके ऊपर जो है आप फिलर लगा दोगे, इसके भी ऊपर और इसके भी ऊपर। चलो इसको इस साइड नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस साइड लगाऊंगा तो फिर मेरा थोड़ा जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 का ब्लेंड लगा ले रहा हूँ, तो सेम इसी तरीके से मैं सबको ब्लेंड लगाऊंगा, उसके बाद जो है मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। पहले देख लो, फिर मैं सब में करूंगा, फिर आपको इसको मैं हाइड कर दूंगा चीजों को, ठीक है। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, लाइक मुझे सब में करना है ये वाले काम, ठीक है। तो मैं सब में करता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, तो सब में करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये वाली गैस, ठीक है। तो फ्रेंड्स हो गया, यहाँ पे मैंने काट लिया है यहाँ पे, है ना। तो अभी थोड़ा अलग काम करूंगा, जैसे कि बोल्टिंग कूलिंग चैनल का भी काम करूंगा साथ में देख लो। अभी मेरे पास प्रोडक्ट है यहाँ पे जो मैं हाइड करके रखा हूँ, है ना, तो प्रोडक्ट को भी शो कर लूंगा,
ठीक है, देख पा रहे हो? तो पहले हम वोल्टिंग वोल्टिंग काम कर लेंगे, फिर कूलिंग कर लेंगे, फिर बाकी के पूरा मोल्ड बनाएंगे कैसे बनाना है। आई गेस आपको अंदाजा हो ही गया होगा। तो बाकी का काम करते हैं, देखते रहो कैसे करता हूँ मैं, ठीक है? तो और वीडियो के लास्ट में, जो वीडियो के लास्ट होगा वहां पे मैं बताऊंगा ब्लो मोल कितना टाइप का होता है, क्या क्या पैरामीटर देखते हैं, क्या क्या होता है ब्लो मोल में, ठीक है? तो सारा सारा बताऊंगा क्या क्या होता है ब्लो मोल में, क्या क्या करना पड़ेगा ब्लो मोल में, क्या क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, कितना टाइप में होता है, किसमें कितना रहना पड़ता है, पेफम पेफम क्या होता है, क्या रहना पड़ता है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? और काट के भी मत देखना, सारा वीडियो देखना है आपको, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर का एक वो बनाऊंगा, प्लेट बनाऊंगा, ठीक है? तो सेंटर रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो इसकी सेंटर होगा ये रहा, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से मैं बनाऊंगा। डायमेंशन वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, 65 का ले रहा हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ पे कुछ मैं ब्लेंड लगाऊंगा, ठीक है? 10 का मैं ब्लेंड लगा रहा हूँ, चैम्फर भी लगा सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है? तो मैं इसको ट्रिम ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा मैं ट्रिम ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे ना इसको इस तरीके से ही बनाना है। तो या ऐसे कर सकते हो, इसको मैं अकाउंट बाइड एंट्री कर दूँ। चलो मैं स्केच बनाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने ये अकाउंट बाइड एंट्री करके स्केच ले लिया है ना, देखा रहता हूँ एक बार, आपको भी देख लो, ये अकाउंट बाइड एंट्री करके स्केच ले लिया मैंने। तो इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ, अब यहाँ पे इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है ना? तो डायरेक्ट स्केच को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, स्केच को सिलेक्ट करके भी मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ठीक है? रिवर्स डायरेक्शन, मैं इसकी 10 mm की एक प्लेट ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 10 mm की एक प्लेट ले लूंगा। पहले मैं इसको काट करके भी बना सकता हूँ, जैसे आपको ठीक लगे। डायरेक्ट काट करके बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट काट करके बनाओ। चलो मैं कट करके बनाता हूँ, 10 mm की कट करके, ठीक है? 10 mm की कट कर दिया यहाँ पे, फिर इसको मैं फिर यहाँ पे जाके इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। मतलब आखिर में ना बात जो आता है ना, बात सेम ही होता है, बस इसको यूनिट नहीं करना होगा आपको, मार्च को आता दो बस, ठीक है? इस बॉडी को अगर अलग कलर में डालना चाहते हो तो अलग में डाल दो, क्योंकि नहीं तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि किस में था ये। तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर में डाल लेता हूँ, ठीक है? ये वाले वाला भी, ठीक है? तो इसमें हम बोल्टिंग लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे चैम्फर करके भी लगा सकते हो जैसे आप लगाओगे। तो यहाँ पे हम बोल्टिंग लगाएंगे, ठीक है? बोल्टिंग लगाना बताऊंगा मैं अभी, अभी के लिए मैं इसके ऊपर बाकी का काम कर लूंगा, पहले लास्ट में मैं बोल्टिंग वोल्टिंग का काम करूंगा, कूलिंग वूलिंग का बाकी है मेरा, ठीक है दोस्तों? तो मैंने बोथ साइड जो है कटिंग कर लिया है, इधर भी कर लिया मैंने, इस साइड दो बोथ साइड जो है मैंने कर लिया, ठीक है? अब मैं इसकी लोकेटिंग रिंग बनाऊंगा, सॉरी इसका अभी इसका मैं वो बनाऊंगा, गाइड पिलर गाइड बुश बनाऊंगा, ठीक है? तो मैं गाइड पिलर गाइड बुश बनाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्केच लूंगा, तो तीनों मैंने स्प्लिट किया हुआ हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, जैसे मैंने बताया था मेरे पास 28 का रीमर है, ठीक है? तो मैं आपको बता होना चाहिए आपकी कंपनी में कितना है, तो इस हिसाब से आप बनाओगे, ठीक है? तो मैं 28 का ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 28 का ले लूंगा, एक साइड देखो दोस्तों, मैं एक साइड लोकेशन थोड़ा मैं अलग ले रहा हूँ। अब क्यों ले रहा हूँ जिसको पता नहीं है वो कमेंट करो, और जिसको पता है वो बता दे मैंने क्यों लिया हूँ, ठीक है? एक साइड में 20-22 ले रखा हूँ, और एक साइड में 25-25 ले रखा हूँ, ठीक है? जो बता पाएंगे, जिसको भी पता है वो गलत बता दे, और जिसको नहीं पता है वो कमेंट करेगा तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है? तो इसको मैं मिरर कर देता हूँ, ठीक है? जैसे मेरा लेंथ सही नहीं है तो मुझे बनाना ही पड़ेगा,
जिसको पता है वो बता दे और जिसको नहीं पता वो मेरे से पूछ सकता है कमेंट पे, और जिसको पता है वो भी कमेंट कर दे, ठीक है। तो एक साइड में एक से जो मेरा सर्कल है तो मैं उसको डिसलोकेट करके रखा हूँ, ठीक है। तो उसका मुझे रीजन बता दे क्यों मैं रखा हूँ, उसको मुझे रीजन बताना चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको तो सबसे पहले मैं स्केच ही ले लूंगा, तो यहाँ पे मैं ऑफसेट लिखूंगा। यहाँ पे भी इसका भी फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना, इसको भी नहीं पता फॉर्मूला लगता है। सॉरी, मैंने डबल सिलेक्ट कर रखा है, इसमें डबल नहीं होगा क्योंकि ये अलग बॉडी है, वो अलग बॉडी है। अगर एक बॉडी होता तो एक बार में सब हो जाते, तो अलग अलग बॉडी है। तो एक्चुअली जो ये फॉर्मूला लगता है जो मैं बात कर रहा था, टॉपिक में आता हूँ, ठीक है। जिसको ये फॉर्मूला सही है तो उसके लिए मैं, एक मेरे पास पीडीएफ है, वो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वो पीडीएफ अपना अपना मेल आईडी डाल देना इसमें, मैं वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जिसको भी चाहिए वो पीडीएफ शेयर कर देंगे हम उसके, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लोकेटिंग रिंग लगा लूंगा अभी, सॉरी गाइड पिलर पिलर लगा लूंगा मैं यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले इसको कॉन्वर्ट एंटिटी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अभी मैं कितना एक्सट्रूड कर रहा हूँ वो मैं रेंडमली कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको अपने हिसाब से कर लूंगा, ठीक है। और इसको आपको जब जब भी बनाओगे स्केच ले लो इसके ऊपर भी, आप कंट्रोल एस, ठीक है। रिविलियन सेव कर लेता हूँ, तो मैं इसको स्केच लेके कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है। अब दोनों के बीच में कितना टॉलरेंस रहना चाहिए, जैसे ये गाइड पिलर और जो आपकी वो है, दोनों के बीच में कितना चाहिए कौन बताएगा, जिसको जो बता पाएंगे, ठीक है। तो मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो मेरा पूरा वीडियो नहीं देखता है उसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक क्लास में बता चुका हूँ कितना लेना है, दोनों के बीच में कितना टॉलरेंस वगैरह होना चाहिए, तो वो पता कर ले। ठीक है, तो ये मेरा कुछ हो गया है। अब यहाँ पे इसको मुझे, जैसे यहाँ पे यूनिट हो गया, यूनिट नहीं करना था, तो इसको यूनिट कर दोगे तो सारा गड़बड़ यहीं से स्टार्ट होगा। इसको हम यूनिट नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। मैं इसको देख लेता हूँ मेरा एक्सट्रूड बॉडी कौन सा है, ये वाला है एक्सट्रूड बॉडी, तो इसको मैं अभी के लिए हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। या मैं डायरेक्ट ऐसे यूनिट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे जाके कॉम्बाइन में जाके इसको, ठीक है, और इस बॉडी को, और मैंने इस बॉडी को भी जो मेरा लास्ट बॉडी था मैं उसको भी यूनिट कर रखा हूँ, नहीं करना था, इसको भी हटाना है आपको, फिर हम जो है यूनिट कर पाएंगे। फिर साइज में जाके कॉम्बाइन कर दो इसको आपको। देखो जो जिसको ना देखना होता है ना वो बंदा देखते ही है, ठीक है, जो बस जिसको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है सीखने के लिए, तो सीखने के लिए जिसको इंटरेस्ट नहीं होता वो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, और जो मेहनत करते हैं वो तो आगे बढ़ेंगे ही, उसमें कोई हम लोग की कोई डाउट ही नहीं है। जिसको आगे बढ़ना होगा वो तो मेहनत करेंगे ही। इसको भी मैं फिर यूनिट कर लेता हूँ, ठीक है, और जो मेरा एक्सट्रूड है इसको मैं शो कर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं शो कर लेता हूँ।
ठीक है, तो इसको भी मैं यूनिट कर लेता हूँ। कहाँ गई मेरा यूनिट, यूनियन, ये बॉडी, फिर ये बॉडी, दोनों को मैं यूनियन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बन गया है। अब इसको जो है मुझे स्प्लिट करना है। ठीक है, क्या करना है मुझे, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए मैं एक तरीका यूज करूंगा, तो देखो थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा, ध्यान रखना इसको। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, चलो कोई नहीं। तो इसको सेव कर लेते हैं पहले। तो अब मैं इसके ऊपर जो एक स्केच ले रहा हूँ, जो होगा हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्रोल एट कर दूंगा मैं, फिर यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, आउटर टू आउटर, क्या हो गया, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने गड़बड़ी सिलेक्ट कर लिया प्लेन, तो मुझे और सिलेक्ट कुछ और हो रहा है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल ले लूंगा, इसको मैं एग्जिट, ये बार बार, तो इसको सरफेस से जो है मैं प्लेनर सरफेस लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। अब दोस्तों मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो मैं फिर मैं डायरेक्ट एडिटिंग में जाके स्प्लिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें फेस सिलेक्ट करना है, फेस, और इसमें जिसको जिसको स्प्लिट करना है उस बॉडी को सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, कट, फिर आपको जिसको जिसको रखना है, ठीक है, सिलेक्ट करके डन कर दिया। फिर मैं यहाँ इंसर्ट में गया, फीचर्स में जाया, हर एक कमांड आपको काम आएंगे। ठीक है, तो मैं डिलीट बॉडी कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब ये जो है इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ एक्सट्रूड वाले को। अब ये जो है इसको भी मैं हाइड कर दे रहा हूँ एक्सट्रूड वाले को। ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ पे मूव ऑब्जेक्ट आता है, इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन 2 mm का मैं साइज कम कर दूंगा। ठीक है, 2 नहीं, मैं इसको 3 ही कर लूंगा। ठीक है, तो मैं इसको 2 नहीं 3 mm कर लिया है। और इस जो फेस है, ये वाला फेस जो है, इसको भी मैं, जो मेरा फेस रहती है उससे थोड़ा सा नीचे रहता है, 2 mm नीचे रहते हैं, तो इसको भी आपको 2 mm नीचे रहना चाहिए। मैं प्रॉपर तरीके से बना रहा हूँ, ध्यान से रखना है आपको। ठीक है ना, तो मैं फ्लिप डायरेक्शन करके मैं इसको नीचे ले गया। ठीक है, तो इसको नीचे ले जाओगे तो फिर आपको इसको भी नीचे ले जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो कोई रिप्लेस सरफेस वगैरह मिलता नहीं है, तो आपको ऐसे करके आपको यूनिट बॉडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके इसको यूनिट बॉडी कर लेंगे, और ऊपर जो है चंपल लगाऊंगा मैं सबसे लास्ट में। ठीक है, तो जब मैं इसको मिरर वगैरह करूंगा तब मैं लगाऊंगा इसको सबसे लास्ट में। तो फिर हम यहाँ पे जाके फिर, ठीक, ऐड करना है, तो फिर हम यहाँ पे भी इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कॉम्बाइन, ऐड, फिर इसे हम करेंगे कॉम्बाइन। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आपके लिए। इसको हाइड कर दे रहा हूँ, और जो मेरा एक्सट्रूड था, तो एक्सट्रूड को मैं शो कर लेता हूँ, सॉरी, एक्सट्रूड को मैं शो कर लेता हूँ। बस आपकी ऊपर का जो है ये आ गया है ना।
अब मैं इसको मिरर मार के नहीं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मिरर मारूंगा तो फिर वहीं पे पंगा पड़ेंगे। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, जो मेरा गाइड पिलर है जिसका इसका डिस्टेंस है 60 mm की, मैं एक 60 mm का ऑफसेट ले लूंगा, प्लेन ले लूंगा एक, फिर उसको मैं वहां पे जो है 60 mm के हिसाब से इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा या मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही आएंगे। और जो मेरा ये एक्सट्रूड वाला था, जैसे मैंने इसको एक्सट्रूड किया था डिश वन ये वाला, तो इसको मैं 120 mm में करना था क्योंकि ये 60 में ही था, तो मुझे ऐसे भी पता लग जाएगा। और यहाँ पे आप सिंपली चम्फर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये मैं इसमें डिस्टेंस बाय डिस्टेंस लगाऊंगा, सिमेट्री की जगह एसिमेट्री लगाऊंगा, 10/5 का मैं चम्फर लगा रहा हूँ। ठीक है, 10/5 का, 10/5 का चैम्फर लगाऊंगा। जैसे चैम्फर लगाते हो ना, इसका भी फॉर्मूला होता है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, जो पीडीएफ में आपको सारे कुछ मिल जाएंगे। जैसे मैं स्टूडेंट होते हैं मेरे, उस स्टूडेंट के साथ मैं शेयर करता हूँ, तो आपको साथ भी मैं वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सारा कुछ आपको मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये मेरा बन गया है। ठीक है, गाइड पिलर बन गया है। चलो अब नेक्स्ट क्या आता है, देखो अब नेक्स्ट जो है हम उसकी बोल्टिंग का काम करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले बोल्टिंग करने से पहले मैं इसका कूलिंग का काम कर लेना चाहता हूँ। तो मैं कूलिंग के लिए सबसे पहले मैं एक प्लेन लूंगा, तो प्लेन में जिन दोनों के बीच में लेना चाहता हूँ, तो दोनों के बीच में प्लेन लूंगा लाइक इस यहाँ पे, तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं प्लेन ले लिया एक, तो उस प्लेन को मैं थोड़ा बाहर निकल दूंगा क्योंकि दिखता नहीं है, तो मैं इस तरीके से देख लूँ कहाँ पे प्लेन आ रहा है। ठीक है, मैं दोनों के बीच में, मतलब इसकी बीच में मैं प्लेन लेना चाहता हूँ। मैं दो कूलिंग करूंगा, ऊपर भी प्लेट कराएगा, नीचे का भी दोनों का साथ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कूलिंग करूंगा। देखो आप कैसे किस तरीके से करता हूँ, मैं सर्कुलर करूंगा कूलिंग। तो चलिए, कुछ इशू आ गया था, तो मैं इसको स्केच ले लेता हूँ, कंट्रोल हिट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एंट्री यहाँ से करूंगा कूलिंग के, एंट्री यहाँ से करूंगा। तो मैं जब पहला मेरा कूलिंग का वो जाएंगे, इधर से जाएंगे, मतलब मैं करूंगा एक, तो आपको इधर से जाना चाहिए पहले बात, आर पर रहेगा ड्रिल, है ना, एक तो ड्रिल आपकी उल्टा रहेगा। इसको मैं मिरर मार दूंगा फिलहाल के लिए, इसको मैं मिरर कर दूंगा। ठीक है, और इसके यहां से मैं डिस्टेंस दे रहता हूँ 50 का। चलो ठीक है, 50 का मैंने इसमें दे दिया हूँ। अब नेक्स्ट जो मेरा वो आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरा कूलिंग का वो लगाना है, तो हम रेक्टेंगुलर लगाएंगे, तो यहाँ पे एक लगाऊंगा, वहाँ पे एक लगाऊंगा मैं। तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ मेरा कूलिंग किस तरीके कहाँ पे कैसा बन रहा है, तो मैं इसके लिए काम कर ले लूंगा। जो मेरा सेक्शन है, तो सेक्शन को मैं ये वाला प्लान सिलेक्ट कर लूंगा, जो ये फ्रंट प्लान की जगह में, इसको क्लियर करके मैं ये वाला प्लान ले लूंगा। देख पा रहे हो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, तो मेरा यहाँ पे प्लान आ रहा है सेक्शन में। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा इसको नीचे ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे नहीं लूंगा तो फिर यहाँ पे टच होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लूंगा, जो ये मेरा प्लान है, तो थोड़ा मैं इसको नीचे ले लूंगा और 10 mm नीचे ले लूंगा मैं। ठीक है, अब मैं इसकी सेक्शन जो है, सेक्शन लेके देखता हूँ एक बार। सेक्शन जो है यहाँ पे जगह मैं इसको ले लूंगा सेक्शन, ये ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इस प्लान को मैं हाइट कर दे रहा हूँ। अब सिमिलरली यहाँ पे मैं स्केच ले लूंगा, तो ये भी देखना पड़ता है आपको कितना नीचे लोगे क्या नहीं लोगे। तो चलो मैं इसको कॉन्फिडेंट कर देता हूँ, बार बार नहीं बनाऊंगा, या ऐसे कर लेता हूँ मैं इसको ऑफसेट मान लेता हूँ थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है, रिवर्स के साइड 5 का मैं ऑफसेट मान लिया, इसको भी लेके मैं ऑफसेट मार देता हूँ 5 mm की। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक जो है ऐसे वो बना लेता हूँ, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है 55 कर देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको जो कूलिंग बनाओगे, जैसे इसके नज़दीक में आ रहा है, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा इसको भी। तो हम जो है यहाँ पे ऐसे कूलिंग का इनलेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे
एक जो है ऐसे स्टॉप वाल्व का काम कर दूंगा मैं, जो लाइन इन लाउड आउटलेट हो जाएगा। तो पहले एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको पहले इसको मैं कॉन्वर्ट एंट्री कर दूंगा, इसको भी कॉन्वर्ट एंट्री कर दूंगा, फिर इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ पहले पहले, क्योंकि ये बाहर ना निकल जाए। फिर इसको भी आपको ट्रिम करना है कॉन्वर्ट एंट्री करके, ट्रिम कर दूंगा मैं इसको भी। मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कूलिंग का काम करेगा, देखो कुछ इस तरीके से कूलिंग के काम करेंगे आपके, वहां पे टच हो रहा है तो टच नहीं होना है, तो 3 mm का कर दो आप, ठीक है। तो ये ठीक है, तो आर पर कूलिंग बनाएंगे इसकी। और इसका कूलिंग जो है हम कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पे ड्रिल सीधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ड्रिल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गैप कम है, ठीक है ना। तो हम जो है ऐसे कूलिंग करेंगे, यहाँ इनलेट होके फिर ये रिटर्न होके यहाँ से घुमा लेंगे, ठीक है। तो वैसे कर लेंगे, तो मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, तो इस प्लान को मैं हाइड कर दे रहा हूँ। फिर सिमिलरली जो पहले का स्केच है इसको मैं हाइड कर दूंगा, अब मेरा नया वाला स्केच है इसको मैं स्वीप कर दूंगा, ठीक है। कितने का लगाना चाहिए कौन बताएगा? 10 का लगाऊंगा, ठीक है, 10, 12, 8 का ही लगता है। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन में जाके मार्जिनल को ऑफ कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं जो मेरा स्केच है इसको आप शो कर लो, स्वीप सर्कुलर प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया, स्वीप सर्कुलर प्रोफाइल इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके सिलेक्शन मैनेजर ऑन करके सिलेक्ट कर लो आप, नहीं तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में जाके मार्ज रिजल्ट को ऑफ कर देना, ठीक है। अब जो लास्ट रहेगा उसको भी मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन मैनेजर पे जाकर इसको ओके करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन में जाके मास्टर जल ऑफ डन। अब उसको करना कुछ नहीं है, आपको फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है सिंपली, ठीक है ना। तो हम बॉडी जो है सब्ट्रैक्ट, मेन बॉडी आपका पहले ये ले लेता हूँ, मेन बॉडी आप ले लो, एक सेकंड। इसको मुझे ना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ पहले पहले में। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जो स्केच से, इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको इंसर्ट में जाओ आप, इसको जाके कॉम्बाइन में जाके सबसे पहले सब्ट्रैक्ट लेके ये वाली ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ से ये वाली अब हटा दो, ठीक है। तो भी फिर सिमिलरली फिर यहाँ पे भी आपको करना है, बट इसमें थोड़ा सा एक पंगा आएंगे आपको, ठीक है। पंगा ये है, देखो क्या पंगा आता है इसमें बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये अलग अलग बॉडी है, मैं एक एक करके सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, फिर इसको मुझे अलग अलग तीन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, देख पा रहे हो क्या दिक्कत हो रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्केच लोके, तो मैं यहाँ पे स्केच लोके कॉन्वर्ट एंट्री करूंगा, सॉरी। तो यहाँ पे मुझे कॉन्वर्ट एंट्री के लिए मैं इसमें पर्टिकुलरली इसको ये दोनों का स्केच को सिलेक्ट करूंगा, फिर एग्जिट दो यार, ठीक है ना। तो फिर इसको एक्सट्रूड कट करके मैं बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि नहीं तो मुझे तीन तीन अलग से बॉडी बनाना पड़ता, ठीक है। अब ठीक है, तीनों तरफ से मैंने काट करके लगा दिया है। अब देख पा रहे हो यहाँ पे कूलिंग चैनल ऐसे काम करेंगे, मुझे मेरा काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप पिन लगाऊंगा, ये होगी मेरा स्टॉप पिन, ये सारा स्टॉप पिन लगाऊंगा यहाँ पे। देखो किस तरीके से स्टॉप पिन लगाना है, मैं पहले स्केच बना लेता हूँ कंट्रोल 8, उसके बाद जो है हम उसके ऊपर काम करेंगे। देखो मैं इसमें पहले इस काम करना आपको सिखाता हूँ,
ठीक है। तो फिर इसके ऊपर जो है इसको मैं 12 कर दूंगा, बेसिकली 15 का ही होता है बट यहाँ पे ओवरले हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एज ए स्टॉप पिन इसको अंडर ले जाऊंगा 10 mm की। मैं इसको मास्क नहीं करूंगा, सॉरी इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा, ठीक है। फिर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे और रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहेंगे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे रहना ही है, पीस में वो खाली रहेगा। तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे हम जो है उसकी बोल्ट लगाएंगे कूलिंग का। देखो कूलिंग का बोल्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एड कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम एक सर्कल ही बनाएंगे, जो इसकी सर्कल है हम दायरे की इसको ही बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ अंदर की तरफ 5 mm की या 10 mm का मैं अंदर कर लूंगा पहले तो, ठीक है। मर्ज नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर सॉरी मैंने इसको 2 सर्कल बनाना था मुझे, यहाँ पे कंट्रोल 8 ऑफसेट, तो 2 mm की को बनाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको जो वो बनती है हम वो बनाएंगे। तो मैं इसको बनाता हूँ, एक्सट्रूड एक्सट्रूड करके बनाना है आपको सिंपली। तो मैं इसको बना लेता हूँ, तब तक इसको पॉज कर लेता वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने वो बना लिया है, ठीक है। मैं आपको हाइड करके दिखा देता हूँ, एक बार देख लो वो मैंने बना दिया। तो फिर इसको मैं मूव कर लूंगा, यहाँ पे मूव करने का भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे ये होते हैं ना मूव कॉपी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो कॉपी ट्रांसलेट करना है ट्रांसलेट कर लो जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ से इसको कुछ जैसे कहाँ पे सेंटर है देख लो, आई गेस 144, ठीक है 144 में है। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया 144 में। अब आप कूलिंग चैनल देखना चाहते हो तो आप कूलिंग चैनल देख लो। तो इस कुछ इस तरीके से हम कूलिंग चैनल लगाएंगे, ये भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, है ना। तो ये इस तरीके से मेरे कूलिंग का काम करेगा। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं स्टॉप पिन लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जिसको पता है बताओ ये कौन सा कूलिंग चैनल है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कूलिंग चैनल के ऊपर आई थिंक एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसको पता है वो बोल सकते हैं, जिसको पता है, जिसको पता नहीं है मैं तो बता ही दूंगा कमेंट पे, ठीक है। जिसको पता है वो बोल दे कि कौन सा कूलिंग है, तो इस तरीके से हम ठीक है कूलिंग बनाएंगे। सॉरी मैं यहाँ पे 12 का बनाऊंगा तो ऑफसेट मारूंगा तो एक 12 बन जाएगा, वैसे अगर ऑफसेट मारूंगा तो फिर ये 16 का बन जाएगा, ये 2 का रेडियस 2 ज्यादा हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तो इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां तक मेरा आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद में ऊपर का बनाऊंगा आपको दिखना। ऊपर में मजा आएंगे कि सारा बोल्ट बोल्ट लगाऊंगा, सारा कहाँ पे क्या बोल्ट लगाना होता है सब बताऊंगा इसमें, पूरी प्रॉपर मोल्ड बना रहा हूँ, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग होता है। तो देखना इसमें मैं कैसे क्या लगा रहा हूँ। तो तब तक मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप पिन लगा दिया, देख रहे हो आप, है ना। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप पिन लगा दिया है, तो ये एज ए स्टॉप पिन काम करेंगे। दिखा देता हूँ मैं ऊपर से सेक्शन काट के, ठीक है। तो यहाँ से इनलेट होंगे, तो यहाँ से जाके आपके आउटलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कूलिंग लगाएंगे बोथ साइड में ही, ठीक है। तो देख लिया आपने तो कूलिंग कैसे लगाना है। अब दूसरी चीज में आते हैं हम, फिर अब फिर जो आएंगे हम बोल्टिंग लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं बोल्टिंग लगा के दिखाऊंगा, एक्सट्रूड करके लगाना है, सिंपल है, आप लगा लोगे।
ठीक है, तो हम सब मेलन को लगाएंगे। तो देखो कैसे लगाता हूं मैं, ये पूरा मोल बनाऊंगा, ध्यान से रखना है, सब कुछ आपको मिलेंगे इसमें। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने बोल्टिंग लगा दिया, सेम उसी तरीके से लगाना है आपको। देख लो मैंने यहाँ पे बोल्ट लगा दिया है, जो इसको दोनों को होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे बोल्ट लगाना है जो इस प्लेट को रखे, तो यहाँ पे भी लगाऊंगा मैं, देखो कैसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये लगा दिया, अब जो है मैं गाइड बुश लगाऊंगा। ठीक है, तो गाइड बुश बनाना है मुझे अभी, तो मैं यहाँ से गाइड बुश बनाऊंगा, यहाँ पे एक प्लान लूंगा, क्योंकि मैं नीचे से 2 mm का ऑफसेट लिया था, तो ऊपर से भी मैं 2 mm का ऑफसेट लूंगा लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं स्केच ले लूंगा। ठीक है, तो स्केच ले लिया मैंने, देख रहा आपने, फिर कॉन्वर्ट एंटिटी करूंगा, जो मेरा ये वाला एज है और ये वाला एज। ठीक है, दोनों को ही लेना है, ऐसे करके भी ले सकते हो कॉन्वर्ट एंटिटी। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, तो इस तरीके से आपको लेना है। तो एक्चुअली क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूँ, तो मैं अपलोड 1 पार्ट में कर दूंगा। तो सिमिलरली आपको ऐसे ही करना है दोनों को। ठीक है, तो इसको मैं फिर एक्सट्रूड कर देता हूँ यहां से। ठीक है, इसको एक्सट्रूड करना है, इसको हटा दो आप, इसको करूंगा मैं 60 - 2, ये हो गए आपके 58 का। ठीक है, 58, बट ऊपर से भी 2 mm कम होगा, ध्यान रखना, ये ऊपर से भी 2 mm कम है, तो ये हम कर देंगे 56 का आएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको 56 कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर हम जो है इसके ऊपर स्केच लेंगे, Ctrl+8। तो अभी आपको क्या करना है, इसकी जो एज है, सारे एज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो इनसाइड एज है, जो अंदर वाली एज है उसको सिलेक्ट करना है, बाहर वाली हम तो ऑफसेट मारेंगे इसको, तो अंदर वाली सारा एज को आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैं कॉन्वर्ट एंटिटी कर दे रहा हूँ, और बाकी जितना भी स्केच है हम इसको ऑफसेट मार देंगे। इसको ऑफसेट मार दूंगा, 3-3 mm का मैं ऑफसेट मार दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप ऑफसेट मार दो 3 mm की। स्केच एक साथ नहीं होता है, अलग अलग बॉडी है, तो ये भी आपको ध्यान। तो मैं स्केच बना लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएंगे। तो मैंने स्केच बना लिया, अब इसको मैं नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं 3 mm के लिए नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है, अब इसको हम यूनिट कर देंगे। तो डायरेक्ट एडिटिंग में जाके भी तो कंबाइन का ऑप्शन मिल जाएंगे, इतना ढूंढने का वहां जाने का क्या जरूरत है आपको, ऑलरेडी है। और जो ये मैंने एक्सट्रूड किया था वो ऑलरेडी यूनिट हो गई, तो इसको यूनिट नहीं करना है। इसको यूनिट करोगे फिर तो गाइड पिलर गाइड बुश एक ही बन जाएगा, फिर तो कोई आपको मतलब ही नहीं बनेगा कि आप गाइड पिलर गाइड बुश बनाने का। ठीक है, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, हम दोनों को अलग अलग ही बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा मैं इंजेक्शन मोल्ड की तरह हिसाब से ये बना रहा हूँ, जो ब्लो मोल्ड है। ठीक है, ठीक है, तो मेरा गाइड पिलर गाइड बीच बन गया है, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसमें भी 2-3 टाइप का आपका आता है, गाइड पिलर जो आता है ना, इसमें भी 3 टाइप का आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्पिकोटेट, ठीक है ना, क्या होता है स्पिकोटेट, जो स्टैंडर्ड क्या होता है, तो जिसको डायमेंशन वगैरह सही है या सही है उसको वहाँ पे मेल आईडी डाल देना, मैं शेयर कर दूंगा उसको। ठीक है, जिसको भी 3 टाइप में सही है, कैसे कैसे टाइप में होता है वो मैं डाल दूंगा, मेल आईडी डाल देना इसमें, मैं आपको शेयर कर दूंगा उसको भी साथ में ही। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको कलर में डाल दिया है दोनों को। ठीक है, तो आई गेस इसमें बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम जो है प्रोडक्ट को शो कर लेते हैं, आप एक बार देख लो, कूलर वूलर भी सब ठीक है मेरे हिसाब से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बोल्टिंग वोल्टिंग में मैंने कर दिया है। ठीक है,
तो ये भी बोल्टिंग का हो गई, ठीक है। तो नीचे हम दो बोल्टिंग लगाएंगे तीनों को एक करने के लिए। तो यहाँ पे दो बोल्टिंग लगा सकते हो आप, बताऊंगा मैं इसको कैसे करना है। तो फिर इसके ऊपर भी आपको प्लेट लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं फिर मिरर कर देता हूँ पूरी बॉडी को, जो है मैं इसको, ठीक है, मिरर कर देता हूँ पूरा बॉडी को। तो हम जो है यहाँ पे मिरर बॉडी यूज कर लेंगे। मिरर बॉडी में मैं इसमें बॉडी लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारा जो चीज है मैं सारे को सिलेक्ट करूंगा एक्सेप्ट राइट पिलर गाइड बुश, क्योंकि ऑलरेडी वो है ही, ठीक है। इसीलिए मैं अलग अलग कलर में सिलेक्ट कर लिया, जाओ मेरा आराम से सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। और जो फेस होगा मेरा, ये वाली फेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा मोल्ड, ठीक है। ये मेरा पूरा मोल्ड रहा, ठीक है। जो नीचे का पार्ट रहा वो मैं अलग से रखूंगा। अब इसके अंदर अगर आपको प्रोडक्ट को ऑन करना है तो आप प्रोडक्ट को ऑन कर लो। जो ये प्रोडक्ट है वो शो कर देता हूँ, फिर आप सेक्शन वगैरह काट के देख लो, सारा आपको प्रोडक्ट वोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा मोल्ड हो गई, आपको हाइड करके देखना है तो आप हाइड करके देख सकते हो, सारा कुछ चीजें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फेंटिंग वेंटिंग कूलिंग वूलिंग के लिए सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। अब हम उसके ऊपर दो प्लेट लगाते हैं जो बोल्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो दो बोल्ट लगा देंगे यहाँ पे, दो यहाँ पे दो, जिस दोनों प्लेट को अटैच कर देंगे। आई गेस आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कीजिए, और किसी को कोई डाउट है, और एक बात, जो मेरा यहाँ पे जो इतना भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मैंने पीडीएफ की बात किया है, जिसको भी पीडीएफ वगैरह चाहिए, ठीक है, वो नीचे अपना मेल आईडी डाल दो, मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ये ब्लू मोल्डिंग होगी। अब मैं जो ब्लू मोल्डिंग है मैं बताता हूँ किसके में क्या क्या होता है, इसमें मैं बताऊंगा आराम से। तो जो भी है आपको चाहिए यहाँ पे नीचे कमेंट कर लो, मैं शेयर कर दूंगा मेल पे। जैसे कि 10-12 मेल अटैच हो जाएंगे एक साथ ही, तो सबको मैं एक साथ कर दूंगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सबको मैं अलग अलग करूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएंगे अगर सबको अलग अलग करने लग जाऊंगा। तो जिसको भी चाहिए 10-12 जैसे मेल जमा हो जाएंगे, मैं एक साथ उसको पूरा कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं ब्लो मोल्डिंग की। तो ब्लो मोल्डिंग वगैरह कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं, ज्यादातर जो बीच में से होलो होती है, तो वहां पे हम ब्लो मोल्डिंग वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं टाइप में आते हैं ब्लो मोल्डिंग की, मैं टाइप में आता हूँ। तो सबसे पहले ब्लो मोल्डिंग करूंगा, तो ब्लो मोल्डिंग का क्रॉस सेक्शन जो होते हैं ना, बेसिक में आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे देख रहे हो वो एयर होस होती है, तो ये डाई हेड होती है जो डाई बनेंगे, ठीक है। और इसमें आपकी एक नोजल रहेंगे जो एक्सप्लोरर से मेटल आएंगे। बेसिकली यहाँ पे जो है हम जो यहाँ पे जो पेरिजन देख रहे हो, तो पेरिजन होगा यहाँ पे, कूलिंग चैनल होगा, दो मोल्ड होंगे, फिर यहाँ पे ब्लो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ब्लो मोल्ड काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रेस ब्लो मोल्डिंग, ठीक है ना। स्ट्रेस ब्लो मोल्डिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा यूज, जैसे जैसे पेट बॉटल्स वगैरह होते हैं ना, तो स्ट्रेस ब्लो मोल्डिंग से बनती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्रीफॉर्म होती है, जो इंजेक्शन मोल्डिंग से आपकी बॉटल की जो प्रीफॉर्म बनती है, तो प्रीफॉर्म होती है, हम इसको हीटिंग करते हैं मोल्ड के अंदर। जैसे हीटिंग होते हैं, फिर हम इसमें एयर ब्लो करते हैं, तो जहाँ पे एक फेकोम से क्लिक अंदर जो एक फेकोम क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद जो इसकी बोतल की शेप में आती है, तो हम इसको स्ट्रेस ब्लो मोल्डिंग में बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंजेक्शन ब्लो। इंजेक्शन ब्लो में क्या होता है, इसमें इंजेक्शन अलग से यूनिट रहता है, जहाँ पे इंजेक्शन होती है, एक आपकी ब्लोइंग रॉड रहता है, जो रॉड की सर्कुलेटिंग एरिया में वो इंजेक्शन होता है, फिर हम लोग इसको एयर वगैरह पास करते हैं, तो फिर इसकी शेप में आती है, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है, जो हम लोग जैसे वाटर बैग होती है, जैसे हॉट वाटर बैग होती है, जैसे कहीं पे कहीं दर्द वगैरह के लिए जो हॉट वाटर बैग वगैरह यूज करते हैं ना, वहाँ पे इस तरीके से हम इंजेक्शन ब्लो वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो आता है एक्सट्रूशन ब्लो, जैसे हम कंटेनर वगैरह बनाते हैं, जो मेरा मोल्ड है बेसिकली एक्सट्रूशन ब्लो से बनती है। तो इसमें क्या होती है, जो आपकी ओरिफिस रहती है, जो वहाँ पे आप लोग की एक मेटल फ्लो होगा, ठीक है। तो हम दोनों डाई को जैसे कोट के बीती होगा वो क्लोज होंगे, और ऊपर से हम जो है एयर फ्लो करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो है एक्सट्रूशन ब्लो काम करते हैं। तो बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है ब्लो वेल्डिंग तीनों में बनती है, और इसमें भी बहुत ज्यादा बहुत पेज भी छुपा हुआ है, बहुत कहानी है इसमें भी। तो बेसिकली मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, और अगर डाउट में सही है, अगर में और चाहिए मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आपको देख के वगैरह क्लियर हो जाएंगे, नोट वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जिसको भी पीडीएफ वगैरह चाहिए वो अपना मेल आईडी डाल दीजिए इसमें, और अच्छा लगे तो कमेंट करो। तब तक
टेक केयर, जय हिंद।